हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल फ्रेंड्स आज हम तीन प्रोफाइल की वैकेंसी डिस्कस करेंगे फर्स्ट है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन सेकेंड है प्लास्टर टेक्नीशियन एंड थर्ड है फोन ऑपरेटर है ना टेलीफोन ऑपरेटर की वैकेंसी अगर आपको किसी और प्रोफाइल की जॉब चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं एक्चुअली फ्रेंड्स इस जो भी डिस्कस कर रहे हैं ये तीन प्रोफाइल इसकी वैकेंसी ऑलरेडी लाइक शॉर्ट नोटिस रिलीज किया था जिसको हमने पब्लिश किया था जिसको हमने अपलोड किया था वीडियो दो तीन दिन पहले बट अभी इसका लाइक फुल नोटिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा ईच एंड एवरी हम इसमें मैं आपको एक्चुअली फॉर्म दिखाऊंगा जो आपको फॉर्म फिल करना है एंड यू हैव टू कुरियर दैट राइट लास्ट डेट क्या है ईच एंड एवरी हम इसमें कवर करेंगे सो लेट्स स्टार्ट इट सो so, यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस ऑफ द मेडिकल सुप्रीटेंडेंट सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली वैकेंसी रिलीज हुआ है ग्रुप सी प्रोफाइल का जिसमें कि फर्स्ट प्रोफाइल है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ग्रुप सी का उन्नीस हज़ार नौ सौ से ले कर तिरसठ हज़ार दो सौ तक सैलरी है चौदह नंबर ऑफ़ वैकेंसी है जिसका बायफर्केशन एज पर द रिजर्वेशन यहाँ पे मैंशनड है ओके okay, इसमें और दूसरा है प्लास्टर टेक्नीशियन ग्रुप सी का पच्चीस हज़ार पाँच सौ से लेकर इक्यासी हज़ार एक सौ तक सैलरी स्ट्रक्चर है चार नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं टेलीफोन ऑपरेटर है ना तो इसमें देखिए ग्रुप सी का है उन्नीस हज़ार नौ सौ से ले कर तिरसठ हज़ार दो सौ तक सैलरी स्ट्रक्चर है इसमें दो वैकेंसी है एंड इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि शॉर्ट uh, नोटिस में नहीं बताया गया था एप्लीकेशन फ़ी थ्री हंड्रेड रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है और एस सी फीमेल कैंडिडेट इकोनॉमी वीकर सेक्शन कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फ़ी और डिशेबल पर्सन को भी कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पे करने की जरूरत नहीं है जो जनरल एंड ओ कैंडिडेट आते हैं एक सर्विसमैन कैंडिडेट आते हैं उनके लिए अप्लीकेशन फ़ी थ्री है जो कि आप आर एन ई एफ टी आई एम पी एस यू पी आई कर सकते हैं यहाँ पे बैंक डिटेल दिया गया है नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर एस जे एच एंड वी एम एम सी एग्जाम फी अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया गया है बैंक ऑफ बड़ोदरा का एंड ईच एंड एवरी थिंग यहाँ पर मेन्शन है इसके थ्रू जो है आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड जो है उसका स्लिप जो है प्रिंट आउट करके आप Uh, जब फॉर्म भरेंगे तो उसके साथ जो है लगा सकते हैं एंड देन कुरियर लगा सकते नहीं आपको लगाना होगा ओके सो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए 18 से 25 एज रखा गया है जिसमें कि ट्वेल्थ पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ऐसे कैंडिडेट जो कि फिजिक्स केमेस्ट्री बायो से मैं लाइक ट्वेल्थ किया है और वन ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है फिफ्टी बेडेड हॉस्पिटल में प्लस टू अगर बायो से किया है एंड फिफ्टी बेडेड हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस रहा है थिएटर में तो वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं ये वन ईयर एक्सपीरियंस कंपलसरी है दूसरा इसमें है आपका आ, प्लास्टर टेक्नीशियन 18 से पच्चीस एज है ट्वेल्थ पास कैंडिडेट किसी भी एक्सट्रीम से हो बट फाइव ईयर का इसमें वर्किंग एक्सपीरियंस है ये प्लास्टर कटर फ्रॉम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल राइट गवर्नमेंट से रिकोगनाइज प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो तो उसमें भी अगर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अट्ठारह से पच्चीस एज दिया गया है और टेलीफोन ऑपरेटर अठारह से पच्चीस एज है ट्वेल्थ टेंथ पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड प्राइवेट जो है लाइक जो फ़ोन ऑपरेटर का जिन्होंने वर्क किया हुआ है यहाँ देखिए पी जो है फ़ोन ऑपरेटर का वर्क अगर आपने किया है एक कोर्सेस होता है और एक अगर आपने वर्क भी किया है तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं ओके सो यहाँ पे देखिए आपको जो है टेंथ uh, का सर्टिफिकेट मार्कशीट ट्वेल्थ का मार्कशीट मार्क्सट सर्टिफिकेट ये सारा कुछ आपको एंड आधार कार्ड एंड जो है पेमेंट स्लिप जो आप पेमेंट करोगे उसका स्लिप का फोटो uh, कापी लगा के सेल्फ एडिटेज करके आपको कुरियर करना है कुरियर uh, कहाँ पे करना है यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है टू द मेडिकल सुप्रिटेंडेंट सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली डबल वन डबल जीरो टू नाइन पर आपको कुरियर कर देना है और ये जो है कुरियर आपका ट्वेंटी uh, टू मतलब बाईस अगस्त तक पहुंच जाना चाहिए ठीक है आ, चार बजे तक ओके सो ये है इसमें ओवरऑल अगर इसमें फिर भी कोई डाउट है एक्चुअली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है एप्लीकेशन फॉर्म का आ, लिंक डाल दूंगा आपको ये पूरा नोटिफिकेशन आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे और लास्ट वाला जो पेज होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म होगा आप उसको फिल कीजिएगा ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट उसमें अटैच कीजिएगा एंड सेल्फ एटेज करके आप क्लियर कर दीजिए 22 अगस्त तक टाइम है तो यू हैव सफिस टाइम टू फिल द फॉर्म एंड इसके बाद अगर कोई इशू आता है कोई क्वेरी आता है इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है फ्रेंड्स सो so, अभी रिटर्न एग्जामिनेशन का एग्जैक्ट सिलेबस जो है अभी रिलीज नहीं किया है आ, पिछले साल का जो सिलेबस होगा वो अगर एग्जैक्टली exactly सिलेबस मैच नहीं करेगा क्योंकि हर एक हॉस्पिटल का अलग अलग होता है तो सब जंग का क्या है एग्जैक्टली exactly, वो जब रिलीज़ करेगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे जरूर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करके आप बात कर सकते हैं या इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है सो गुड लक फ्रेंड्स कोई भी इशू हो लेट्स कमेंट इट आउट ओके सो थैंक यू गुड लक फॉर योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस थैंक यू फ्रेंड्स